सब परेशान कर रहे हैं, उनके लिए भी एक काम करना है आपको, एक स्मॉल सजेशन हमारी तरफ से, लेट मी शो यू। सो फ्रेंड्स, इनकी और इनकी भी ख्याल रखिए। सो अगर आप लोगों के पास कोई ओपन एरिया रहेगा उसके अंदर जैसे पानी डाल के रख दीजिए, सो इससे इन बेचारों को भी पानी मिल जाएगा, बिकॉज यू नो करंटली इट इज़ अराउंड 38 to 36 degrees Celsius, सो प्लीज़ डू हेल्प देम। Friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel. So friends, as you guys aware, currently हमारे country में lockdown चल रहा है. So in this period, आप लोगों को तो पता है अपनी bike idle पड़ी है. So what are the precaution we have to take of our bike? That every details I will going to show you in this vlog. Because you still never know ये lockdown कितने समय तक बढ़ सकता है. So we have to take our precautions. So without wasting any time, let's start this vlog. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर आपकी जो बाइक खड़ी करने की जो जगह है, इट शुड बी इन ए शैडो। इनकेस आपके यहाँ पे कोई पेड़ है उसके नीचे पार्क कर सकते हो तो इट्स रियली बेटर। कोई बिल्डिंग का पैराफिट रहता है उसके अंडर पार्क करेगा तो अच्छा होगा। इवन इनकेस जैसे मेरे यहाँ पे है पूरा पतरे का डाल के रखा हुआ है, तो ऐसी जगह पे भी आप आपकी बाइक रख सकते हो। सो इससे क्या फायदा होगा, सो आपकी बाइक का जो पेट्रोल है वो वेपराइज नहीं होगा। ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू कीप द शाइनिंग इफेक्ट ऑफ योर RR310 फॉर लॉन्गर पीरियड, क्योंकि बाइक कॉन्स्टेंट धूप में खड़े रखने से उसके पेंट के ऊपर असर पड़ जाता है, पेंट फीका फीका पड़ने को स्टार्ट हो जाता है। तो इन केस आप बाइक जहाँ पे पार्क कर रहे हैं वहाँ पे शेडो नहीं है, डोंट वरी, उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन है हमारे पास। सो आप अपनी बाइक के लिए एक बॉडी कवर यूज कर सकते हैं जिससे आपकी बाइक का पेंट के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। सो टॉकिंग अबाउट द पेंट एंड द शाइनिंग इफेक्ट, यू गाइस कैन ऑल्सो यूज द वैक्स पॉलिश टू कीप द पॉलिश एंड द शाइनिंग इफेक्ट ऑफ योर RR310। हमने ऑलरेडी कर लिया है अपनी बाइक के ऊपर, लेट मी शो यू। सो फ्रेंड्स, ये अपनी बाइक फुल्ली चकाचक शाइन कर रही बिकॉज ऑफ द वैक्स पॉलिश। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे अपनी बाइक को पॉलिश करके रख सकते हैं एज यू आर गोइंग टू कीप द बाइक आइडल फॉर लॉन्गर पीरियड। सो इट विल हेल्प यू योर बाइक शाइनिंग फॉर लॉन्गर पीरियड। ऑल्सो देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेज टू डू द वैक्स पॉलिश ऑफ योर बाइक। वैक्स पॉलिश करने के बाद आपको घड़ी घड़ी बाइक वॉश करने की जरूरत नहीं, जस्ट उसके ऊपर जो डस्ट करती है वो ड्राई क्लोथ से रिमूव हो जाएगी और बाइक की शाइनिंग वापस आ जाएगी। ये सब चीजें हमने अपनी हाउ टू डू द वैक्स पॉलिश ऑफ योर RR310 की व्लॉग में कवर कर ली है। अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा रहेगा तो उसकी लिंक अभी आई बटन में है, यू गाइस कैन चेक इट आउट। सो फ्रेंड, एज यू आर गोइंग टू कीप योर बाइक अंडर द बॉडी कवर, मेक श्योर फॉर वन थिंग, बिकॉज एट माई लोकेशन वेयर आई पार्क माई बाइक देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रैट्स। इन पास में भी एक प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज ऑफ दैट मुझे मेरी बाइक कार से यूज़ करना पड़ा था और बाइक सर्विस सेंटर भेजनी पड़ी थी। आई वॉज लकी इनफ दैट टाइम एट द रैट बाइट फॉर द वायर, इट वॉज नॉट एट नियर टू दैट पार्ट, वॉज एट मिडल एरिया, तो वहाँ पे उसको कट करके वापस टाइप कर दिया था। ऑन दैट पीरियड आई सेव अराउंड 16K। यस, दैट इज द कॉस्ट इफ यू वांट टू रिप्लेस द वायरिंग ऑफ RR310। दे नॉर्मली रिप्लेस कंप्लीट सेट ऑफ योर RR310 विच विल कॉस्ट यू 16K। टू अवॉइड दैट आई हैव स्मॉल सजेशन फॉर यू गाइज, इनकेस आप आपकी बाइक बॉडी कवर के अंदर रख देते हो, मेक श्योर लोकल मार्केट में तंबाकू मिल जाता है, ओपन वाला तंबाकू भी ले सकते हो आप, इवन छोटा जो पैक वाला रहता है वो भी ले सकते हो। आई नो इट इज़ बैन, बट आप लोगों को तो पता है अपने इंडिया में कहीं ना कहीं तो अवेलेबल मिल जाता है। आई ब्रिंग इट फ्रॉम माई नेटिव प्लेस कोल्हापुर। सो सेम तंबाकू को आप छोटे से क्लोथ के अंदर डाल दीजिए, उसको टाई करके रख दीजिए एट द नियरर टू द वायर एरिया। मैंने भी सेम वैसे ही किया हुआ है, लेट मी शो यू। सो ये है एक तंबाकू जो क्लोथ में बांध के टाई कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वायर्स है तो यहाँ पे टाई करके रख दिया हमने, यहाँ पे भी वायर्स है तो उसके यहाँ पे टाई करके लिख दिया। मेजरली प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, आप देख सकते हो वहाँ पे भी टाई करके रख दिया,
यहाँ की जो वायर है वो खाई थी चूहे ने। तो ये एक बात आपको बताना चाहता हूँ, चूहा जो क्या करेगा, नॉर्मली यहाँ की ओपन जो वायर है वो कभी नहीं खाएगा। उसको इंटरेस्ट है वायर खाने में ऐसी छोटी सी जगह पे, तो जहाँ बहुत कम जगह रहती है उस एरिया के वायर वो खाने में उसको इंटरेस्ट रखता है। रिमेम्बर दैट। उस साइड का भी दिखा देता हूँ आपको। सो ये हम आ गए लेफ्ट हैंड साइड। सो ये देखिए यहाँ पे भी टाई करके रख दिया है, ये भी यहाँ पे टाई करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे मैंने कवर किया है वायरिंग ऑफ आर R38। आई नो दिखने में बुरा लगता है बट क्या करें, आप लोगों को तो बताइए करंट कंडीशन। इस पीरियड में RSA मिलना भी बहुत मुश्किल है और सर्विस सेंटर भी बंद ही है, सो वी हैव टू डू सच ए थिंग्स। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हो गई अबाउट कीपिंग योर बाइक सेफ। अभी हमें अपने बाइक का इंजन भी स्टार्ट करना है, वार्म करना है उसे ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। बिफोर गोइंग टू इंजन, प्लीज मेक श्योर जो बाइक का जो फुल टैंक है वो आप आधे से ऊपर ही रखिए ऑलवेज, बिकॉज एज यू गाइज अवेयर वी हैव FI सिस्टम्स ऑन आवर R310। सो अगर आप अपनी बाइक के टैंक के अंदर का फ्यूल हमेशा रिजर्व रखते हो, बी अलर्ट गाइज, डू नॉट डू दैट। इससे क्या होगा, आपकी बाइक का जो फ्यूल पंप है वो खराब हो सकता है। इट इज़ नॉर्मल फॉर एवरी FI बाइक, इट इज़ नॉट पर्टिकुलर फॉर R310, ये कॉमन है। सो प्लीज़ मेक श्योर आधी और फुल टैंक के बीच में हमेशा आपकी बाइक के अंदर फ्यूल रखिए। ऑल्सो इट विल अवॉइड द रस्टिंग इश्यूज ऑफ फ्यूल टैंक, अपनी तो फाइबर की है, नो वरीज। सो फ्रेंड्स, आपको फ्यूल पंप दिखा देता हूँ। हैव टू स्विच ऑन द लाइट्स। ये आप देख सकते हो सिस्टम। सो एवरी FI बाइक में आपको ये सिस्टम मिल जाएगी फ्यूल की, देख सकते हो वायर्स आर इजीली विजिबल। दैट वायर सजेस्ट टू गाइस, प्लीज ऑलवेज मोर देन हाफ अ टैंक फ्यूल ऑन योर बाइक ऑलवेज। यू गाइस कैन चेक इट आउट द फ्यूल लेवल, मैं नॉर्मली हाफ के ऊपर ही रखता हूँ। सो करंट रेंज इट इज शोइंग एज 276 किलोमीटर। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव एक्स्ट्रा फ्यूल विथ यू। एज अवर बाइक इज वेरी न्यू, सो हमें ऐसी जरूरत नहीं है कि एवरी 2 डेज आप अपनी बाइक को ऑन कीजिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव टू वार्म अप माय बाइक इंजन आफ्टर एवरी 2 डेज बिकॉज ऑफ द रैट्स, आप लोगों को तो पता ही है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हो ये रैट्स की वजह से यहाँ पे खड्डा बन गया था। सो उसके लिए प्रिकॉशन ले लिए हमने। सो ये ऐसे कुछ पार्किंग एरिया है और ये है एक शेड जिसकी वजह से अपनी बाइक फुल सेफ रहती है इनसाइड शेड। तो उसकी भी एक टेक्निक है, बहुत नॉर्मली ऑब्जर्व रेड जब बाहर आते हैं रात के समय आते हैं अराउंड 6 o'clock के टाइम। सो आप अपनी बाइक को वार्म अप कीजिए 5:30 और 6 फॉर मैक्स टू मैक्स फॉर 10 मिनट्स। जी हाँ, 10 मिनट तक आपको अपनी बाइक ऑन रखनी है, बीच बीच में आपको बाइक रेव करनी है टिल 4K RPM। उससे क्या होगा, आपकी बाइक की जो बैटरी है वो भी चार्ज होती रहेगी, अदरवाइज बैटरी डेड होने के भी चांसेस है। दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू मिनिमम 8 to 10 मिनट्स आप अपनी बाइक ऑन रखी है। इससे क्या होगा, आपके बाइक का जो इंजन ऑयल है जो इंजन के अंदर पूरा गर्म होके एट ईच एंड एवरी पार्ट स्प्रेड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हो गई इंजन की बात। अभी सिर्फ इंजन ही नहीं होता है अपनी बाइक में, उसके टायर्स रहते हैं, चेन्स रहती है, इसकी भी सबकी प्रिकॉशन हमें लेनी पड़ेगी। फॉर टायर्स आई विल सजेस्ट यू, इफ यू हैव योर हाउस एज अ रो हाउस और प्राइवेट बंगलो है और आपके पास पैडॉक स्टैंड है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज आपकी बाइक को पैडॉक स्टैंड के ऊपर रखिए। बिकॉज अपने R310 में मेन स्टैंड नहीं रहता है, सिर्फ साइड स्टैंड रहता है। सो उस पोजीशन में अपने बाइक के दोनों भी टायर जमीन के ऊपर टच रहते हैं। सो ज़्यादा टाइम एक ही जगह पे अपने बाइक के टायर खड़े रहने से टायर भी खराब हो सकते हैं। सो टू अवॉइड दैट पैडॉक्शन यूज कीजिए, बट ओनली इन केस वी हैव सेफ पार्किंग। आई नो एवरी वन डोंट हैव द सेफ पार्किंग, तो टू टेक प्रिकॉशन ऑफ टायर ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू मेक श्योर एट लीस्ट विदिन 2 वीक्स एक बार आपकी बाइक 1 किलोमीटर चलाइए, सिर्फ 1 किलोमीटर। उसके ऊपर मैं सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ आपको, बिकॉज वी हैव लॉकडाउन पीरियड, सो यू कैन टेक अराउंड इनसाइड योर सोसाइटी और आपके बिल्डिंग का जो बाजू का एरिया है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके ब्लॉग में दिखा दिया था ऑफ द हिडन फीचर ऑफ R310। जैसे 1 किलोमीटर विदिन 2 वीक्स राउंड मार लीजिए तो आपकी बाइक के टायर भी अच्छी कंडीशन में रहेंगे। ऑल्सो आप लोगों को तो पता है बाइक एक ही जगह पे खड़ा रहने के बाद बाइक के टायर की हवा कम होती है, सो इसके लिए इट विल बेटर इफ यू हैव टायर इन्फ्लेटर। सो अगर आपके पास टायर इन्फ्लेटर है तो आप खुद अपने बाइक की हवा घर से ही टॉपअप कर सकते हो। वो कैसे टॉपअप करनी है उसका वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, करंटली आई बटन में आई रहेगी लिंक, यू गाइस कैन चेक इट आउट। तो वैसे आपकी बाइक के टायर की एयर भी मेंटेन रहेगी, एज एवरीवन डोंट हैव नाइट्रोजन एयर, वी हैव टू टेक दैट प्रिकॉशन। सो ये हो गई टायर की बात है। Now let's talk about the last part, that is chain. So दोस्तों, बाइक के चेन की भी हमें केयर करनी है। सो इसके लिए आप लोगों को तो पता है क्या करना है, बाइक की चेन को आपको क्लीन करना है, उसको लूप करना है, बिकॉज बाइक एक ही जगह भी खड़ी होने से चेन के ऊपर कोरोजन आ सकता है। तो सो वंस इन अ मंथ बाइक की चेन को लूप कर लीजिए।
चेन क्लीन तो एक ही बार कर लीजिए, घड़ी घड़ी आपको करने की जरूरत नहीं। एक बार आपने चेन क्लीन करने के बाद उसको लूप कर दी, उसके बाद अगले महीने सिर्फ उसको लूप कर देना। तो अपनी बाइक की चेन कैसी क्लीन और लूप करते हैं उसका भी वीडियो अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप देख लीजिए। करंटली आई बटन में आई रहेगी लिंक, यू गैस कैन फॉलो द ऑल द प्रोसीजर। ऑल्सो इफ यू आर हार्ड कोर गाय जस्ट लाइक मी, यू कैन ऑल्सो क्लीन द फ्रंट स्प्रॉकेट ऑफ योर RR310। तो फ्रंट चेन स्प्रॉकेट भी कैसे क्लीन करते हैं उसका भी व्लॉग वीडियोस में हमने अपने चैनल के रेगुलर व्लॉग्स में दिखा। इफ यू आर माई ओल्ड सब्सक्राइबर एंड फॉलो मी फॉर लॉन्गर पीरियड, यू मस्ट बी अवेयर। ओवरऑल और द मेंटेनेंस स्टफ फॉर RR310 के सब व्लॉग्स अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है, यू गैस कैन फॉलो दैट। उससे आपकी बाइक की लाइफ और बरकरार रहेंगी। सो फ्रेंड, दीज आर द सम पॉइंट विच आई एबल टू कवर इन दिस व्लॉग। सो इनके इससे भी ज़्यादा कुछ पॉइंट है और आप लोगों को बताया गाइस, आई विल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, जिससे हमारे RR310 के ओनर्स के लिए हेल्प हो जाएगी। सो डू मेंशन योर पॉइंट्स इन कमिंग सेक्शन। ऑल्सो गाइज, डू लेट मी नो ये व्लॉग आपको कैसे लगा। एक छोटा सा व्लॉग था बट आई वॉज थॉट कि जो जो प्रिकॉशंस मैं मेरी बाइक के ऊपर ले रहा हूँ, आई विल शेयर द सेम विथ यू गाइज टू कीप योर बाइक ऑल्सो इन सेम कंडीशन। सो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए यार, अच्छा लगेगा हमें। ऑल्सो डू मैंशन योर थॉट योर एक्सप्रेशन इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दिस व्लॉग। और भी कुछ कवर करना है अबाउट RR310 ऑन आवर चैनल, सो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू डू इन दिस लॉकडाउन पीरियड। डू चेक इट आउट द अदर प्लेलिस्ट ऑन अवर चैनल। अलग अलग राइड्स की हमने, टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया कर ली, नॉर्थ इंडिया कर ली, हैदराबाद कर ली, गोवा कर ली, बहुत सारे चैनल के ऊपर व्लॉग्स भी है अपने। सो इफ इन केस यू आर बोर इन दिस लॉकडाउन पीरियड, यू कैन चेक इट आउट ऑल द प्लेलिस्ट। सो अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग, दिस इज सागर साइनिंग ऑफ। गाइज, बी सेफ, ऑलवेज स्टे योर होम एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस। सी या। So friends, one more thing, if you have this lock and you don't have safe parking place, use that, because I am using it. I suggested warming up the bike. One more idea dosto, sirf chuhe hi nahi, mere paas to billi bhi hai, iski wajah se cover dal dete ho to andar se ghus ke seat faad deti hai. Aap logon ne past vlog mein dekha hi hoga, meri bike ki aage ki seat faad di thi. So to avoid cats, आई एम फॉलोइंग दिस प्रोसीजर। एक क्लोथ है, पुराना टी शर्ट ही है मेरा, जिसको सीट के ऊपर डाल के टाई कर दिया नीचे। सो इवन बिल्ली अंदर घुस जाएगी तो इसके ऊपर बैठ जाएगी, सीट को कुछ नहीं होगा। सो ये ऐसी है अपनी बाइक इन फुल ऑन बॉडी कवर, सिर्फ टायर्स विजिबल है, बाकी टोटल बॉडी कवर है।